अक्सर देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आते ही व्यापारियों की सांसें फूलने लगती है, उन्हें किसी ना किसी तरह का भय हो जाता है। यदि आप भी व्यापारी हैं और आपको भी इनकम टैक्स का कोई नोटिस आया है तो उसके लिए घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें और अपनी समस्या को दूर करें। तो चलिए जानते हैं इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हर व्यापारी के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि जुलाई महीने की 31 तारीख ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख होती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे कुछ समय पहले तक ही अपने बिजनेस में जुड़े टैक्स को भर दिया जाए। इनकम टैक्स जमा करना उन सभी व्यापारियों के लिए ज़रूरी होता है जो इसके दायरे में आते हैं। कुछ मामले में कुछ कारोबारियों को छूट भी मिलती है। ये समझना ज़रूरी है कि आयकर विभाग से नोटिस सिर्फ बहुत बड़ी गलती या जुर्माने के लिए ही नहीं आता है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कोई मामूली सी त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। अब किस तरह की नोटिस होती है? तो पहला नोटिस होता है, यदि इनकम टैक्स भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो एक नोटिस आपके लिए भेजा जाता है, जिसके माध्यम से ये जानने का प्रयत्न होता है कि आपसे ऐसी गलती हुई कैसे। दूसरा नोटिस बकाया पैसे, बचे हुए पैसे, ब्याज दर, जुर्माने इत्यादि के लिए भेजा जाता है। इस तरह का नोटिस आमतौर पर बाकी पैसों को जमा करने या किसी भी तरह के जुर्माने से बचने आदि के लिए इनकम डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है। इस दूसरी तरह की नोटिस का सेंस यह होता है कि टैक्स पेयर को पहले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद क्या करें। अगर किसी व्यापारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिलता है तो सबसे पहली बात ये कि घबराए नहीं। याद रखें कि किसी भी तरह का नोटिस आपको सीधे जेल नहीं भेजता। यदि किसी व्यापारी को इनकम टैक्स नोटिस मिलता है तो कारोबारी को उस नोटिस का जवाब 15 दिन या 30 दिन के अंदर देना होता है, यानी आपके पास नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय होता है। अगला सवाल आता है कि इनकम टैक्स नोटिस कितनी तरह का होता है। तो पहला नोटिस होता है नोटिस 399। ये नोटिस ये बताने के लिए होता है कि रिटर्न गलत भरा गया है। ये भी हो सकता है कि टैक्स रिटर्न फॉर्म ही गलत भरा गया हो, रिटर्न भरने में हुई गलती के लिए 399 नोटिस दी जाती है। अब इसका जवाब कैसे दें? याद रखें इस नोटिस का जवाब 15 दिनों के अंदर देना होता है। जवाब देने के लिए ई फाइल में ई फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस 139(9) पर जाएं और आगे की प्रक्रिया पूरी करें। फिर अगला नोटिस होता है 148। ये नोटिस दोबारा असेसमेंट के लिए होती है। ये नोटिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आय यानी इनकम के कुछ पार्ट का असेसमेंट नहीं हो पाता है। इस मामले को 6 साल में फिर से खोला जा सकता है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए जिस इनकम के बारे में जानकारी मांगी जा रही है उसका रिटर्न फाइल करना चाहिए। इस प्रकार का नोटिस मिलने पर नोटिस के दिए गए कारणों की भी मांग करें। फिर अगला नोटिस होता है नोटिस 156। ये नोटिस बकाए टैक्स, जुर्माने इत्यादि के लिए जारी की जाती है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन की मोहलत मिलती है। इसे भरने के लिए ई फाइल पर जाएं और भरने के लिए रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करें। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है? सबसे पहले नोटिस देखें कि किस प्रकार का नोटिस है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नोटिस का उत्तर देने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास इतना समय होता है कि आप इत्मीनान से और अपने सुविधा अनुसार नोटिस का उत्तर दे सकें। अगर कोई नोटिस समझ ना आए तो किसी कानून के जानकार से भी मदद ले सकते हैं। किसी कानून जानकार से सलाह लेना आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।